नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको चाय से संबंधित सभी 14 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न एक है, चाय पीने की लत क्यों लग जाती है? आपका उत्तर है, दरअसल कॉफ़ी की तरह चाय में भी कैफीन होता है और इसलिए नियमित रूप से बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने पर चाय की भी लत लग जाती है। कैफीन ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करता है, जिससे डोपामाइन और एंड्रोफिन नाम के हार्मोन्स की अतिरिक्त मात्रा रिलीज होती है। चाय पीने वाले एक अलग ही खुशी का अनुभव करते हैं और यही खुशी धीरे धीरे चाय की लत बन जाती है। रिसर्च की माने तो अगर कोई व्यक्ति रोजाना 3-4 कप चाय पीता है तो उसमें शारीरिक रूप से चाय की लत के लक्षण नज़र आने लगते हैं। आपका प्रश्न दो है, चाय में नमक डालकर पीने से क्या होता है? आपका उत्तर है, नमक वाली चाय सिर्फ अपने स्वाद के लिए ही पसंद नहीं की जाती है, बल्कि इसके कई फायदे भी हैं। यह गले की खराश, कफ, सिर दर्द, खांसी जैसी समस्याओं के लिए नमक वाली चाय कारगर होती है। आपका प्रश्न तीन है, बबल चाय क्या है और कैसे पी जाती है? आपका उत्तर है, इस चाय के मामले में बबल का मतलब है गोल गोल जैली जैसे साबुदाना के दाने जिन्हें इस चाय में डाला जाता है। साथ ही इसमें थोड़ी सी बर्फ भी डाली जाती है। इस बबल चाय का टेस्ट आम चाय से काफ़ी अलग होता है और इस बात पर निर्भर करता है कि उसे बनाने में किन फलों और सिरप का इस्तेमाल किया गया है। टेस्ट मीठे से लेकर मिट्टी और नटी तक हो सकता है। कभी कभी यह थोड़ा कड़वा या खट्टा भी हो सकता है। आपका प्रश्न चार है, चाय पीने से चेहरे पर क्या असर पड़ता है? आपका उत्तर है, दरअसल चाय में कैफीन होता है जो आपके ब्लड वेसल को सिकुड़ने में मदद करता है। इससे आंखों के नीचे के डार्क सर्कल से और सूजन सही हो जाती है, साथ ही आंखों की थकान भी दूर होती है। इसके अलावा चाय की पत्ती भूख बढ़ाने वाली, पाचन और शक्तिवर्धक होती है। चाय हृदय के दर्द, आंखों का दर्द, रक्तार्स या पाइस का दर्द और सूजन कम करने में मददगार होता है। आपका प्रश्न पाँच है, चाय में कौन सा जहर होता है? आपका उत्तर है, चाय कॉफी में ऑक्सैलिक अम्ल होता है जो शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। एक शोध में पाया गया है कि ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने वालों में नपुंसकता आने का खतरा तेज होता है। इसका कारण है, इनमें पाया जाने वाला स्टीनोयल ए रक्तविहार तथा नपुंसकता पैदा करता है। आपका प्रश्न छह है, चाय पीने से पेट में दर्द क्यों होता है? आपका उत्तर है, कई लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन सुबह के समय इसे पीने से पेट की अंदरूनी सतह में जख्म हो जाते हैं जो धीरे धीरे पेट में अल्सर की समस्या पैदा करते हैं और फिर पेट दर्द करने लगता है। आपका प्रश्न सात है, ग्रीन टी पीने से कितना वजन कम होता है? आपका उत्तर है, दरअसल ग्रीन टी जल्दी वजन कम करने में मदद करती है। इसका नियमित सेवन चमत्कारिक रूप से आपके शरीर पर जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने का काम करती है। अध्ययनों से पता चला है कि दिन में ग्रीन टी के 3 से 4 कप पीने के दौरान लगभग 40% अधिक फैट बर्न होता है। ग्रीन टी की कड़वाहट को कम करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला सकते हैं। इस बारे में हुई कई रिसर्च में भी यह बात सामने आई है कि ग्रीन टी में नींबू का रस डालने से उसके एंटीऑक्सीडेंट्स को बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वजन घटाना आसान हो जाता है।
आपका प्रश्न है, 8 है, चाय पीने से पेट में गैस क्यों बन जाती है? आपका उत्तर है, चाय के बिना भले ही आपके दिन की शुरुआत नहीं हो पाती है, मगर खाली पेट कभी भी चाय न पिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे से खाली पेट चाय पीना बंद कर दे, वरना आप गंभीर रोगों की चपेट में आ सकते हैं। खाली पेट चाय पीने से व्यक्ति को गैस और कब्ज की शिकायत हो सकती है। आपका प्रश्न 9 है, चाय पीने से शरीर पर क्या असर होता है? आपका उत्तर है, चाय पीने का असर आपकी आंतों पर भी होता है। चाय पीने से आंतें खराब हो जाती हैं, जिससे खाना पचाने में दिक्कत होती है। ज्यादा चाय के सेवन से नींद भी उड़ जाती है। नींद पूरी न होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दिन में 3 से 4 बार चाय का सेवन करने से एंटीबायोटिक दवाओं का असर बॉडी पर कम होता है। एक दिन में 4 से 5 बार या फिर उससे भी ज्यादा चाय पीने आपको सीने में जलन की समस्या हो सकती है। चाय ज्यादा पीने से एसिडी रिफ्लक्स की परेशानी हो सकती है। ये आंत में अम्ल के उत्पादन को बढ़ा देती है, जो सीने में जलन का कारण है। आपका प्रश्न 10 है, चाय पीने के बाद क्या नहीं पीना चाहिए? आपका उत्तर है, गर्मा गर्म चाय के बाद कभी भी पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। चाय पीने के तुरंत बाद पानी पीने से हमारे नाक से खून आने लगता है। चाय पीने के बाद मूली खाने से चेहरे पर सफ़ेद दाग होने के अलावा बाल भी सफ़ेद होने की प्रबल संभावना रहती है। अगर कोई चाय के बाद हल्दी वाले दूध का सेवन कर लेता है तो उसे आगे चलकर जॉन्डिस की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए चाय के बाद हल्दी दूध पीने से बचें। आपका प्रश्न 11 है, एक दिन में कितनी चाय पीनी चाहिए? आपका उत्तर है, दिन भर में आपको सिर्फ 2 कप ही चाय पीनी चाहिए। कहा जाता है कि पूरे दिन में 2 कप चाय पीने से सेहत पर प्रभाव नहीं होता। डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि एक दिन में 2 से 3 कप चाय पीना ठीक है, इससे स्वास्थ्य पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं होते, मगर इससे ज़्यादा कप चाय नुकसानदेह साबित होती है। ज़्यादा चाय पीने से भूख मर जाती है और नींद न आने की भी समस्या होने लगती है। इसके अलावा खाली पेट चाय पीने की बजाय आप पहले कुछ हल्का खाकर गुनगुना पानी पिए। आपका प्रश्न 12 है, खाना खाने के बाद चाय पीने से क्या होता है? आपका उत्तर है, कुछ लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद चाय चाहिए होती है, मगर खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका शरीर खाने में मौजूद पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता। ऐसे में शरीर के अंदर कई बीमारियां घर बना सकती हैं। भोजन और चाय के बीच में हमेशा कम से कम 1 घंटे का अंतर जरूर रखें। इसके अलावा कुछ लोगों के दिन का अंत भी चाय से ही होता है, चाय पिए बगैर वो बिस्तर पर नहीं जाते। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, रात को सोने से पहले चाय पीने से नींद न आने की समस्या हो सकती है, क्योंकि चाय में मौजूद कैफीन नींद विरोधक होता है। आपका प्रश्न 13 है, खाली पेट चाय पीने से कौन सी बीमारियां हो सकती है? आपका उत्तर है, खाली पेट चाय पीने से पित्त रस के बनने और काम की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। इसकी वजह से मिचली आ सकती है और घबराहट महसूस हो सकती है। खाली पेट चाय पीने वालों को अल्सर और हाइपर एसिडिटी होने का खतरा रहता है, क्योंकि खाली पेट गर्म चाय पीने से पेट की अंदरूनी सतह में जख्म होने की आशंका बढ़ जाती है। खाली पेट चाय पीने वालों को अल्सर और हाइपर एसिडिटी होने का खतरा रहता है, क्योंकि खाली पेट गर्म चाय पीने से पेट की अंदरूनी सतह में जख्म होने की आशंका बढ़ जाती है। आपका प्रश्न 13 है, खाली पेट चाय पीने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? आपका उत्तर है, माना जाता है कि ब्लैक टी सेहत के लिए अच्छी होती है और इससे वजन भी कम होता है, लेकिन खाली पेट ब्लैक टी पीने से पेट फूल जाता है और भूख नहीं लगती।
खाली पेट दूध वाली चाय पीने से जल्दी थकान महसूस होती है, साथ ही मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। खाली पेट चाय पीने से स्केलेटल फ्लोरोसिस नाम की बीमारी भी हो सकती है। ये बीमारी हड्डियों को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। इस बीमारी में शरीर में आर्थराइटिस जैसा दर्द होने लगता है। आपका प्रश्न है, 14 चाय पीने से वजन कैसे घटा सकते हैं? आपका उत्तर है, दरअसल चाय पीकर भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं। यह चाय लेमन ग्रास चॉकलेट टी के नाम से जानी जाती है। इस चाय का सेवन दिन में 2 बार करने से आप कुछ ही हफ्तों के अंदर अपना बेली फैट यानी पेट की चर्बी कम होते हुए देखेंगे। यह चाय ठीक रोजाना की चाय की तरह बनाई जाती है। लेमन ग्रास का सेवन करने से आपका मेटाबॉलिज्म तेज करने में मदद मिलती है, जिससे वजन तेजी के साथ कम होता है। इस चाय का सेवन रेगुलर तौर पर करने से वजन कम होता है, कब्ज की परेशानी ठीक होती है, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस दूर होता है। साथ ही इसे पीने पर आपका शरीर पूरा दिन एक्टिव और फ्रेश बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।